हे गाइस नमस्कार, मैं हूँ राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल दद्दा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज है जन्माष्टमी, हमारे यहाँ तो बच्चों की छुट्टी आज ही है, अब कल भी हो सकती है क्योंकि अब हर पर्व जो है ना वो क्या है कि दो दिन मनाए जाते हैं। तो जन्माष्टमी की आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं, और जो है अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखना अगर हो सके तो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी यार वकाऊ WAKAO ऐप पर अभी गाइज जो है न्यू ऑन बोर्डिंग फॉर्म आ गया है। तो अगर गाइज आपने नहीं भरा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में ही गाइज मैंने न्यू ऑन बोर्डिंग वकाऊ ऐप न्यू ऑन बोर्डिंग फॉर्म दे दिया है। अभी गाइज आप यार उस फॉर्म को भर के आप जो है बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो वकाऊ ऐप से। फाइनली अभी सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि वकाऊ ऐप जो है क्या है और इससे आप अर्निंग कैसे करते हो, इस पर आपको करना क्या होता है, आखिरकार है क्या, इसको यूज़ कैसे करना है। और इसके पहले मैंने अभी गाइज इस वीडियो के थंबनेल पर लिख रखा है वकाऊ ऐप न्यू ऑनबोर्डिंग फॉर्म, एंड जो है इसके चक्कर में हम लूट गए, मतलब जो है 10,000 पर मंथ एंड जो है लूट गए। तो लूट गए ऐसा क्यों मैंने लिखा है इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, आखिरकार ये वकाऊ ऐप पर न्यू ऑनबोर्डिंग फॉर्म मैंने आपको क्या दे रखा है, और इसके पहले भी ओल्ड दो चार फॉर्म आपको देखने को मिले होंगे तो वो क्या थे, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिरकार वकाऊ ऐप है क्या और क्या इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मोबाइल की प्ले स्टोर पर आ जाना, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन मैंने सर्च कर रखे हैं ऑलरेडी, आपको यहाँ पर गाइस वकाऊ ऐप को आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं वकाऊ ऐप में मेरे में अपडेट भी आ गई है, चलो इसी साथ में आपको अपडेट भी दे डालता हूँ। यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे जो है अबाउट में आ जाता हूँ, अबाउट दिस ऐप क्या न्यू अपडेट आई है, अभी यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर अपडेट आ गई है, अगर आपने अपडेट पहले से इंस्टॉल कर रखा है वकाऊ ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आप भाई अपडेट कर लेना। मेरे में अपडेट आई, अभी मैं अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं वीडियो यहां पर शूट कर रहा हूं। तो यहां पर गाइज आपको ये एप्लीकेशन मिल जाती है जहां पर अपडेट दिखाई पड़ेगा, यहीं पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इजीली इंस्टॉल करना है मोबाइल नंबर OTP डाल के, यहां पर साइनअप हो जाना है। आगे प्रोफाइल वगैरह कैसे एडिट करते हैं मैंने कई सारी वीडियो में बता रखा है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। यहां पर गाइज आपको देखने को मिलेगा कि वीडियो चैलेंजेस ऐप, ये एक प्रकार का शॉर्ट वीडियो चैलेंजेस ऐप है। जैसे जो है कई सारे एप्लीकेशन होते हैं शॉर्ट वीडियो ऐप होते हैं उनमें ड्यूट वीडियो बनाए जाते हैं, सेम उसी तरीके यहाँ पर चैलेंजेस वीडियोस बनाए जाते हैं, मतलब कि ड्यूट और चैलेंजेस मतलब एक सेम ही है, बस यहाँ पर क्या है कि ड्यूट को चैलेंज का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो अच्छा ड्यूट वीडियो बनाएगा उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे एंड उसको ज़्यादा अर्निंग होगी। तो अभी गाइज जैसे ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप साइनअप वगैरह कर लोगे, यहाँ पर नीचे प्रोफाइल का आइकन मिलेगा, प्रोफाइल पर क्लिक करना, प्रोफाइल एडिट कर लेना, साइनअप हो जाना। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने की, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर पता ही नहीं चल पाएगा उनको कि वीडियो कैसे अपलोड करनी है, तो यहाँ पर गाइज एक ऑप्शन आपको मिल जाता है चैलेंजेस का। तो यहाँ पर गाइज जैसे आप चैलेंजेस पर क्लिक करेंगे, ये मान लो इसके साथ आपको चैलेंज करना है तो यहाँ पर चैलेंजेस पर आप क्लिक कर देना, ये जो बड़ा सा आपको यहाँ पर चैलेंजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहीं पर आप क्लिक करना। अब किसके साथ चैलेंज करना है, इनके साथ करना है या इसके साथ करना है, जिसके साथ भी आपको चैलेंज करना है उसके उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे चैलेंज यहाँ पर प्रियंका, आपको यहाँ पर अगर प्रियंका के साथ करना है, रवनम के साथ करना है, तो आपको जिसके साथ करना है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके साथ जो है आपके जो है आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आप जो है अपनी वीडियो गैलरी से ही अपलोड कर सकते हो। तो ऐसे आप नहीं कर सकते हो, गैलरी से ही अपलोड कर सकते हो। आप जो है इनसे, आपने इनकी वीडियो देखा, इनसे आप अच्छी वीडियो बनाओगे तो आपको ज़्यादा वोट मिलेंगे एंड ज़्यादा आपको यहाँ पर विन करने के चांस है। तो गाइज़ यार ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरने से पहले गाइज आप ऑनबोर्डिंग फॉर्म की क्राइटेरिया जान लो भाई क्या है। आपको 3 चैलेंज वीडियो बनानी है, आपको प्रोफाइल अपनी एडिट कर लेनी है एंड उसके बाद आपको 3 चैलेंजेस वीडियोस बनानी, कैसे बनाते हैं आगे मैंने बता दिया आपको, उसी तरीके आपको 3 से 4 चैलेंजेस वीडियो बना लेनी है, उसके बाद आप जो है फॉर्म को कैसे भर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही गाइज आप जो है फॉर्म पर, जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में फॉर्म दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, इस फॉर्म पर आ जाओगे एंड यहाँ पर गाइज आपसे जो है पूछा जाता है, आपकी ईमेल आईडी वगैरह ऊपर आ जाएगी, आपको यहाँ पर फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा।
वकाऊ ऐप ऑनबोर्डिंग फॉर्म, आपको यहाँ पर योर नेम आपसे पूछा जाएगा, आपका यहाँ पर योर यूज़र नेम पूछा जाएगा वकाऊ आईडी का, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है, योर वकाऊ आईडी लिंक आपको यहाँ पर डाल देना है, वकाऊ जो है यहाँ पर फर्स्ट चैलेंज वीडियो लिंक आपको डालने के लिए बोला जाएगा, सेकंड चैलेंज वीडियो लिंक डालने के लिए बोला जाएगा, थर्ड चैलेंज वीडियो लिंक डालने के लिए बोला जाएगा, वो सारा आप यहाँ पर इजीली आप फिल कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। योर मैनेजर में गाइज आपको टेक्निकल दद्दा आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नीचे सबमिट पर आपको क्लिक करके अपना जो है वकाऊ ऐप न्यू ऑनबोर्डिंग फॉर्म जो है भर देना है। अभी आप वकाऊ ऐप न्यू ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरते हो तो इससे आपको क्या कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उससे पहले गाइज मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा, योर वकाऊ आईडी यूजर नेम। इस चीज पर आपने नोटिस किया, यहां पर मैंने एक चीज मिस्टेक कर दी, एक चीज गलत कर दिया। आप देखना यहां पर डब्ल्यू ए के ए ओ होना चाहिए था स्पेलिंग वकाऊ एप्लीकेशन की, मैंने यहां पर डब्ल्यू ए के ओ कर दिया है, गलत कर दिया फॉर्म, उससे जो है भरने में बनाने में फॉर्म थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गई यार, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। और यही सेम मिस्टेक आप जाके चेक कर लेना जिन लोगों ने भी आपको जो है पहले आपको वकाऊ एप्लीकेशन पर ऑनबोर्डिंग फॉर्म दिया होगा, उन्होंने भी गलती की है कि कोई जहां पर जैसे कोई भी आप लिखते हो स्पेलिंग लिखते हो ना, तो उसकी फर्स्ट वर्ड जो होता है उसका, उसको जो है हम लोग अक्सर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कई प्यारे दोस्तों ने स्मॉल लेटर में बना दिया है फॉर्म, मतलब कुछ न कुछ आपको वहाँ पर मिस्टेक जरूर दिखाई पड़ेगी। बोलने का मतलब कि ये जो भी अभी तक आपको वकाऊ एप्लीकेशन पर वकाऊ एप्लीकेशन का ऑनबोर्डिंग फॉर्म मिला है ये सारा फेक है। आप जो है इजीली फॉर्म बना सकते हो गूगल फॉर्म से, आप जो है कोई भी फॉर्म आप बना सकते हो जो भी आप बनाना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना। ऊपर गाइज आपको एक जो है प्यारा सा बैनर लगाना है, वकाऊ ऐप ऑनबोर्डिंग फॉर्म हेडिंग देनी है, उसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन करने हैं, उसके आंसर आपको दे देने हैं, जो भी आंसर देना चाह आप जो है क्वेश्चन करना चाहते हो या आंसर देना चाहते हो, जितने भी ऑनबोर्डिंग फॉर्म है वकाऊ एप्लीकेशन के सारे डिफरेंट हैं, क्योंकि हर एक यूट्यूबर ने उसको खुद बनाया है, वकाऊ एप्लीकेशन की टीम ने नहीं दिया है। और तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार वकाऊ एप्लीकेशन का ऑनबोर्डिंग फॉर्म, रियल ऑनबोर्डिंग फॉर्म कौन सा है, गाइज वकाऊ एप्लीकेशन ने ऐसा कोई ऑनबोर्डिंग फॉर्म जो है जारी ही नहीं किया है, दिया ही नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म दिए हैं, पहला रिफर एंड अर्न वाला फॉर्म दे रखा है, सेकेंड उसने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है। अब ये रिफर एंड अर्न अगर आप करते हो, रिफर फॉर्म अगर आप लोगों को भराते हो, तो एक दोस्त को इंस्टॉल कराने का वकाऊ एप्लीकेशन को 250 रुपये वकाऊ दे रहा है, और यहीं पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आप भरते हो तो उससे आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए यहां पर जिन लोगों ने वकाऊ एप्लीकेशन का आपको दिया है, उस उन्होंने जो है फॉर्म दिया है ऑनबोर्डिंग फॉर्म, उन्होंने आपको आपसे 3 चैलेंजेस वीडियो के लिंक मांगे हैं, और क्यों मांगे हैं आगे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में आप बने रहिए। मैंने गाइज इंस्टाग्राम पर मैंने वकाऊ एप्लीकेशन की टीम से बात किया, तो उन्होंने एक फॉर्म मुझे ये दिया है, वकाऊ ऐप रिफर्ड योर जो है योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन वकाऊ, तो ये है रिफरल जो है रिफरल, यहाँ पर रिफरल फॉर्म है, इसको आप भर के जो है वकाऊ एप्लीकेशन को लोगों को रिफर कर सकते हो। आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 250 रुपये पर जो है क्रिएटर से आपको यहाँ पर अर्निंग होने वाली है। अभी यहाँ पर लोगों ने आपको गुमराह क्यों किया, आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म क्यों दिया, और मैंने क्यों दिया है, मैंने आपको हकीकत दिखाने के लिए दिया है, और लोगों ने आपको क्यों दिया अभी आप आगे यहाँ पर एक्सप्लेन कर जाओगे। वकाऊ एप्लीकेशन ने जो आपको रिफरल फॉर्म दिया है, इसमें गाइज आपसे उसने पूछा है योर नेम, आपका नेम चाहिए, मतलब मेरा नेम चाहिए, आपका नहीं है, मेरा नेम चाहिए, और मैं जो है जिसको भी रिफ़र कर रहा हूँ पहले मेरा नेम चाहिए, मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, वो नेम नंबर चाहिए जिस नंबर से मैंने वकाऊ एप्लीकेशन पर आईडी बना रखी है, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, योर रजिस्टर्ड यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा योर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, योर फ्रेंड्स नेम एंड योर फ्रेंड्स फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दो चीज़ें यहाँ पर आपको ज़रूरत थी उनको। तो यहाँ पर जो है गाइज अगर वो डायरेक्ट अगर आपको ये फॉर्म दे देते, रिफरल फॉर्म आपको अगर आपको दे देते, तो गाइज यहाँ पर उनको अपना खुद का नेम बताना पड़ता है, एंड यहाँ पर नेम तो आप जानते ही होंगे हर एक यूट्यूबर का, लेकिन उसके साथ साथ ही गाइज आप उनको अपना फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर भी आपके साथ शेयर करना पड़ता। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे लोगों को रिफ़र किया जाए। अब यहाँ पर वकाऊ एप्लीकेशन की टीम की तरफ से जो सेकंड फॉर्म दिया गया है क्रिएटर सक्सेस प्रोग्राम है, ये फॉर्म है, और इसमें जो है गाइज आपसे यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है,
एंड उसके बाद व्हाट्स योर टैलेंट, आपका टैलेंट क्या, मतलब आपको कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी थी, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना था, फ़ोन नंबर डालना था, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, योर वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो। तो ये फॉर्म तो इजीली आपको वो दे सकते थे, बट यहाँ पर जो है यूट्यूबर्स ने ऐसा नहीं किया, कई प्यारे यूट्यूबर्स ने ऐसा नहीं किया। उनको लगा कि मेरा अगर मैं ये फॉर्म दे दूंगा तो मेरा जो है रिफरल वाला मुझे अर्निंग कैसे मिलेगी, इसलिए जो है गाइस उन्होंने एक न्यू ऑनबोर्डिंग फॉर्म, झूठा एक न्यू ऑनबोर्डिंग ऐसे ही बना दिया, और बना के आपकी डिटेल ली, आपका नेम लिया, आपका जो है उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिया, आपका जो है लिंक लिया, उसके बाद यहाँ पर झूठ मूड का जो है उन्होंने आपका आपसे जो है लिंक मांगा है कि आप जो है थ्री चैलेंज वीडियो का लिंक दो, इसलिए मांगा है क्योंकि आप तीन वीडियो नहीं बनाओगे, चार वीडियो नहीं बनाओगे तो आपका जो है वकाऊ ऐप क्रिएटर सक्सेस प्रोग्राम में आपका सलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर गाइस अगर आपका सलेक्शन हो जाएगा तो वकाऊ ऐप की टीम जो है वो आपसे कॉन्टेक्ट करती है एंड उसके बाद आपको बताती है कि कैसे आपको चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने हैं वो, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। तो गाइज फाइनली लास्ट में अगर मैं आपसे बोलूँ तो यार जितने भी आपको अभी तक यार यूट्यूब के अंदर बकाऊ एप्लीकेशन के ऑनबोर्डिंग फॉर्म मिले हैं सारे के सारे फेक हैं। लोगों ने आपको रिफ़र करने के लिए बकाऊ एप्लीकेशन को आपको जो है उन्होंने फेक जो है ऑनबोर्डिंग फॉर्म बना लिया, आपको रिफ़र कर दिया, उससे उनको अर्निंग हो गई। आपका उन्होंने क्रिएटर सक्सेस प्रोग्राम में भी उन्होंने आपका फॉर्म नहीं भरा हुआ होगा। अभी गाइज आप यहाँ पर बोलोगे अरे भाई मैं तो यार लूट गया यार, मैंने तो सोचा था कि मैं 10-15 हज़ार रुपये वकाऊ एप्लीकेशन से कमाऊंगा और यहाँ पर तो यार कोई दूसरा पीट कर लेके चला गया और मैं यार बेवकूफ़ बन गया। हाँ यार ऐसा ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम यार सच्चाई से हमेशा भागते हैं। आपको मैं अपनी सच्चाई बताऊँ तो जब तक मैं यार जो है फेक वीडियोज़ बनाता था, मतलब कई कई वीडियोज़ ऐसी बनाता था कि मतलब जिस दिन मेरे पास टॉपिक नहीं होता था तो बस जो है कुछ भी ऐसे ही बना देता था कि जो है MX टकाटक एप्लीकेशन पर, यार मोज एप्लीकेशन पर कितने फॉलोअर्स होने के बाद अर्निंग होगी, तो ऐसी वीडियोज़ पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते थे। और मेरी कुछ वीडियोज़ जो भी थोड़ा ठीक ठाक चली हैं उसमें मैंने जो है गाइस दिल लगाकर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन जिस वीडियो में आपको मैंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की होगी, आपको अच्छी वीडियो दी होगी, अच्छे एप्लीकेशन के बारे में बताने की कोशिश किया होगा, उस वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ गया होगा, क्योंकि यार लोग सच्चाई देखना ही नहीं चाहते भाई। मैं सच बताऊँ इंडिया की जो भी यार ऑडियंस, जो भी यार लोग हैं इंडिया के, ये यार मतलब सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। अगर मैं बताऊँ कि आपको 10 रुपये मिलेंगे, आप एक दिन ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपको ये काम करना पड़ेगा, 2 घंटे लगेंगे, फिर आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो उस एप्लीकेशन को कोई नहीं इंस्टॉल करेगा। अगर मैं बोलूंगी 1 मिनट में आपको 10 रुपये, 10 मिनट में 100 रुपये, तो हर कोई उस पर आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देगा, उसको देखने लगेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है। फिर भी गाइस टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत अर्निंग कर ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर आपको रिफ़र करके कोई अर्निंग कर रहा है तो इसमें आपका क्या जा रहा है, आपसे आपकी जेब का तो एक भी पैसे ले नहीं रहा है वो, उसने जो है आपको रिफ़र किया, अर्निंग कर ली। बट यहाँ पर आपको जो है मैं आप जो है इस फॉर्म को जो भी मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप अगर उस फॉर्म को जो है भरते हो, न्यू ऑनबोर्डिंग जो मैंने आपको फॉर्म दिया है, अगर आप उस फॉर्म को भर देते हो तो गाइज मैं आपको क्रिएटर सक्सेस प्रोग्राम वाला फॉर्म आपको आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने वहां पर इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी दे रखा है। आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल देना, मैं वहां पर जो है आपको जो है वकाऊ एप्लीकेशन क्रिएटर सक्सेस प्रोग्राम का फॉर्म दे दूंगा, आप उसको भर देना। उसकी वजह से आपको क्या होगा कि वकाऊ एप्लीकेशन की टीम जो है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगी एंड आपको बताएगी कि कैसे चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना है एंड उससे आपको अर्निंग कैसे करनी है। वकाऊ एप्लीकेशन पर आप गाइस चैलेंज में पार्टिसिपेट करके अर्निंग कर सकते हो, लेकिन कितनी अर्निंग कर सकते हो इसको भी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओपन करूँ तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई 1,000 रुपये आपको मिलेंगे और 1,000 रुपये एक हफ्ते में, और अगर आप जो है विन करते हो, मतलब आपके वीडियो पर बहुत ज़्यादा वोट जाता है तभी मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। अगर आपका दिल है तो आपको मैंने न्यू ऑनबोर्डिंग फॉर्म का नीचे आपको जो है लिंक दे दिया है, आप भर सकते हो। मैं आपका जो है आपको इंस्टाग्राम आईडी पर आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा एंड जो है आपकी और भी अदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलते गाइस मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।